पर्ची मैनुअली बना के मिल गया है, अब यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी समय हो रहा है 6:45। अभी कल वाली वीडियो का एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है और उसको अभी अपलोडिंग पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि वोट देने जाना है। बिहार पंचायत इलेक्शन चल रहा है, मैं पहली बार जाऊंगा आज वोट देने। तो लेकिन मेरा जो है ना पर्ची एक आता है, वो पर्ची नहीं आया है। विधानसभा इलेक्शन में पर्ची आया था, इस बार वो पर्ची नहीं आया है। तो जाएंगे वहाँ पे, देखते हैं। जो पर्ची बांट रहे थे वो बोले थे कि वहाँ पे वोट देने के लिए आपका लिस्ट पहुँच गया होगा, आप अपना वोटर आईडी और आधार कार्ड लेके जाइएगा, आपको वोट देने दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। क्या भाई नहीं है प्रणाम सब ठीक बा। हम सब नहीं के रात के आए हैं, रात के एकदम सवेरे रोक रोक कल वही जो दिखाई यो वीडियो कल पहुँच जाइए जा। हम 3 बजे तुम जाएगी तैयार होके, 3 बजे ठीक रहेगा, 3 बजे अभी भीड़ लागल है। आज वाला अभी अपलोड नहीं किए हैं पापा जी, आज वाला ब्लॉग ढूंढ रहा है तो अभी तो अपलोड ही नहीं किए हैं। हाँ कट कर, क्या करो तर मैया जी के, मैया जी के गीत है जा बा। रुका ना बताओ तनी कहाँ बा, अरे रुको ना, पूरा कटोरा में तो पानी भर गया होगा, जा रहे हैं देखने। अंकल जी सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए आए हैं, तो आप लोग भी कहीं भी रहिएगा वोट देने पक्का आइएगा। बनारस से आए हैं वोट देने सिर्फ एक दिन के लिए। पूरा खीर रखा गया था रात को छत पे और इसमें पानी भर गया है, इसके अंदर शायद पानी नहीं गया है, ढक्कन तो बंद है। खीर जो है ले लिए हैं, पूर्णिमा के रात को ये खीर छत पे मम्मी रखवाती है और सुबह में हम लोग खाते हैं इस खीर को। कुछ मान्यता है, मुझे नहीं पता है क्या मान्यता है, मम्मी जानती है, तो ये सब मान्यता को मम्मी बहुत ज़्यादा मानती है। तो अभी जो वोट देने जाना था मुझे, मैं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि मम्मी बोल रही है कि वो शाम को 3 बजे जाएगी वोट देने, तो शाम को ही जाएंगे। तो अभी जो अपलोडिंग करना है उसको अपलोड कर देंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। डड्डा सब ठीक है अंकल जी, सब जाना के आज बंद हो जाए बक्सा। हाँ सब जाना बंद हो जाए लोग बक्सा में, 2 दिन बाद पता चल जाए ना, 2-3 दिन बाद पता चल छपरा। लो मम्मी केवल कटोरा में पानी भरा हुआ था, आई ना बैठी अंकल जी। भैया बिस्कुट खाए ना, खाए खाए पापा जी को दे दो।
लो। बनारस से मिठाई लाए हैं, मुझे बनारस का मिठाई बहुत पसंद है। अगर आप कभी मौका मिले आपको तो बनारस का मिठाई टेस्ट कीजिएगा, बहुत टेस्टी। अभी समय हो रहा है 2:02 और मैं जा रहा हूँ वोट देने। सुबह से पढ़ाई कर रहा था और दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहा था, तो वो वीडियो शूट कर लिया हूँ, एडिटिंग कर लिया हूँ, बस उसको अपलोड करना बाकी है। तो पहले चलते हैं वोट दे के आते हैं, क्योंकि बारिश जो है आने वाली है कुछ देर में, कोई भरोसा नहीं है। अगर शुरू हो गई तो फिर होते रह जाएगी, तो 5 बजे तक ही वोट गिरेगा, तो उससे पहले चल के वोट दे देते हैं। मम्मी पापा जी तैयार हैं, मम्मी कहाँ है? मेरा वोटर आईडी है? मेरा वाला पर्ची नहीं ना मिला? आधार कार्ड हम अपना ले लिए हैं। ठीक किया, कम संख्या में उसका याद कर रहे हैं। मम्मी का है 22, मेरा है 21, कम संख्या तो मतदाता कम संख्या। बाइक को यहीं पे पार्क कर दिए हैं और चल रहे हैं। आप अपना गिरा ले लो। पर्ची मैनुअली बना के मिल गया है, अब यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखिए मम्मी वोट दे दी है तो जा रहे हैं, इसको छोड़ के आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जेंट्स वाले में बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगा है। फाइनली वोट दे दी है, आज पहली बार बैलेट पेपर पर वोट दिए हैं। पंच और सरपंच का बैलेट पेपर पे था। फाइनली बिहार चुनाव में पहली बार वोट दे दिया मैंने और अपने वोटिंग पावर का यूज किया। आप भी किसी चुनाव में अपने प्रतिनिधि को किस चीज़ से, उनके किन बातों से आप प्रभावित होकर उनको वोट देते हैं, ये माने रखता है। जो विकास की बातें करते हैं, बातें तो सब करते हैं, लेकिन जो लोग सही मायने में विकास करते हैं, सही मायने में पढ़े लिखे हैं और आपके नज़र में अगर वो सही लगते हैं कि अगर उस सत्ता पे काबिज होते हैं तो उसको सही ढंग से चला सकते हैं, तो उन्हीं को आप भी वोट दीजिएगा। अभी योगा कर लिए हैं, बैठे थे, रील बना रहे थे इंस्टाग्राम पे और कल वाले वीडियो का एडिटिंग कंप्लीट कर रहे थे। अभी 7 बजने वाला है सुबह का, बहुत अच्छा धूप निकल गया है। यो देखो तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा पसंद आया तो इसको शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।